हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहोगे? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, क्यों ऐसा लगता है? बस लगता है। नहीं, कोई मुद्दा होगा ना? भाई साहब ने कई मुद्दे बताए, आप भी बताओ। अच्छा काम करेगी, वादे हैं जैसे हमारे विधायकों के, क्योंकि बीजेपी 15 साल से है यहाँ पे। ये रोड है 4 लाइन, 2 लाइन भी नहीं हुआ, 1 लाइन ही है जी। और हम फिरोजपुर झिरका से आते हैं, 70-80 किलोमीटर। यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है हमारे वहाँ पे। कोई और पार्टी से उम्मीद नहीं है बीजेपी कांग्रेस के अलावा? और किसी से उम्मीद नहीं है जी। हाँ तो भाई कांग्रेस आ रही है, तो कांग्रेस आएगी, ऐसा क्यों? ऐसा ही है, जो कोई बढ़िया करेगा तो दोबारा आवे। तो बीजेपी ने बढ़िया नहीं किया? क्या बढ़िया नहीं किया? अरे दंगा फसाद चलता ही रहा है अकवा में। देखिए बड़ी बात कही है उन्होंने, कहा है कि कांग्रेस आएगी तो अच्छा करेगी, बीजेपी ने रहते हुए कुछ अच्छा नहीं किया। भाई साहब सो रहे हो? अरे चुनाव आ गया, जाग जाओ। क्या आप सर वोट करना है? हाँ जी वोट करेंगे, बिल्कुल पक्का ना? पक्का करेंगे। हाँ तो क्या सोच के वोट करोगे? नहीं, जो सरकार हमें सुविधाएं देगी तो उसी को ही वोट देंगे। अभी की सरकार ने सुविधा दी? काफी दिन से NH 248 से इसकी मांग उठ रही है, ये बनी नहीं पा रहा है। 4-4 लेन तो केंद्र सरकार का मामला है, तो विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा का तो, पर जो अभी सेवा यहाँ पर अभी इतनी नहीं दी जा रही है, ये बस इस टाइम पर नहीं आती है। हम स्टूडेंट है, एक एक घंटा हमें वेट करना पड़ता है बस स्टैंड पर, तो इतना टाइम कहाँ होता है स्टूडेंट के पास कि हम एक घंटा इधर ख़राब करें। पढ़ाई को भी टाइम देना होता है हमें, फिर अब नूह में भी टाइम ख़राब होगा। तो मैं जो भी सरकार आएगी मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये सुविधाएँ प्रोवाइड। देखिए जनता है वो मांग कर रही है, कि युवा हैं वो बता रहे हैं कि क्या उनकी समस्याएं हैं, सड़क से लेकर तमाम सुविधाएं, उस आधार पर वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और जिससे भी उनको उम्मीद लगती है कि हाँ इनसे हम अगर वोट करते हैं, इस कैंडिडेट को वोट करते हैं, तो वहाँ पर इसका फ़ायदा यहाँ पर उनको और यहाँ की आम जनता को मिलेगी। हाँ भाई बड़े युवा हो यार, तुम्हारा वोट है अभी? नहीं अभी नहीं है। कितने साल के हो? 17। अभी 1 साल बाकी है। आप बताओ जी क्या है, वोट करने का कोई इस बार मन बनाया है? जी हाँ। किसको करना है, बदलाव के लिए करना है, क्या है? बदलाव के लिए। क्यों? क्योंकि हमें शिक्षा की ज़रूरत है और हमारे इलाका में शिक्षा की बहुत समस्या है मेवात साइड, इसीलिए हम कांग्रेस की वोट देंगे, कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे। भाई नू और मेवात का जो इलाका है, यहाँ पर साफ तौर पर खुलकर अपनी बात तमाम ये साथी रख रहे हैं जो कि रोडवेज में सफ़र कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, और उनके अपने जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उस आधार पर वोट कास्ट करने की वो बात कर रहे हैं।